अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2019 से जब MKSA की भी शुरुआत हुई, जब युग परिवर्तन के दशक की प्रिडिक्शन की गई थी, जब 2019 का लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था, तब से एक प्रिडिक्शन की जा रही थी कि NRIs को सोचना शुरू कर देना चाहिए। आपके पास कुछ साल है जिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल होगा, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अमेरिका अनक्वेश्चनेबल उस समय पे विश्व की नंबर वन महासत्ता थी। महासत्ता तो वो आज भी है, लेकिन अब उसके उस सुपर पावर के स्टेटस को क्वेश्चन किया जा रहा। डॉलर का एक वर्चस्व था, वो आज भी है, लेकिन वो वर्चस्व का जो सिंहासन है वो हिलता डुलता अभी नजर आ रहा। बहुत सारे देशों के साथ भारत ने भी ये पहल कर दी है कि अगर द्विपक्षीय व्यापार करना है तो रुपये में कीजिए। अमरीकी बहुत बड़े बैंक डूब चुके हैं, बहुत सारे बैंक अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो साइंस तो दिखने लगे। फिर कई लोग कहते हैं कि डॉलर का वर्चस्व खत्म होगा, कब होगा, किस प्रकार से होगा। आज के इस वीडियो में इसी प्रिडिक्शन की बात करेंगे। शनिदेव जब मीन राशि में आएंगे मई 2025 में, उसके बाद वाले ढाई साल मतलब मई 2026, 27 और 28 की शुरुआत के कुछ महीनों तक, तो वो ढाई साल का वो समय होगा। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो मीन राशि 12वें घर में जाएगी, जहां पे शनि देव का जाना। और अमेरिका की कुंडली में भी जिस प्रकार की अवस्थाएं बन रही है उसको सम्मिलित करके हम ये कह सकते हैं कि मई 2025 से मई 2028 तक इन तीन सालों में डॉलर के वर्चस्व के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आप देखोगे। डॉलर का वर्चस्व बहुत ही तेजी से गिरेगा। आज भी कई लोग अपने संतान को फॉरेन में सेटल करने के लिए सोच रहे हैं, और अभी तक वो सारी चीजें सही भी जा रही थी क्योंकि डॉलर का भाव 80 रुपये के आसपास चल रहा है, शायद उससे ऊपर भी हो, हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन सोचिए कि जब ये चीजें तेजी से गिरने लगेगी, डॉलर का वर्चस्व खत्म होगा, मतलब डॉलर का प्राइस, डॉलर के ऊपर से डिपेंडेंस पूरी दुनिया में खत्म होती जाएगी, अमेरिका के अर्थव्यवस्था के ऊपर ये एक करारी चोट होगी। तो अभी तक अमेरिका जो करता आ रहा था, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी व्यापार हो उसे पता है कि उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर जरा सा भी दाग लगने वाला नहीं है, जरा सा भी खतरा नहीं है, क्योंकि डॉलर मजबूत है। और जब डॉलर गिरने लगेगा, जब डॉलर की मजबूती टूटने लगेगी, इसका सीधा मतलब होगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा भूचाल इन तीन सालों में आ सकता है। मई 2025 से उस घटनाक्रम की शुरुआत होगी, ढाई तीन साल तक ये घटनाक्रम आप देख चुके होंगे। लेकिन मई 2025 आते आते अभी जो ग्लिम्स दिखने लगी है, डे बाय डे आप देखेंगे कि किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, क्योंकि अचानक से तो एक दो दिन में हो नहीं जाएगा, उससे पहले ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम आपको मई 2025 से पहले ही देखने को मिलेंगे, जिससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि मई 2025 के बाद परिस्थितियां किस प्रकार से बनने वाली है। तो समय का पहिया, काल चक्र फिर से एक बार घूमने वाला है, और फाइनली जो इतने सालों से डॉलर का वर्चस्व रहा है अमेरिका का, और जब डॉलर का ही वर्चस्व नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है कि अमेरिका के महासत्ता के उस पद पे, सुपर पावर के उस पद के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए हम कह रहे थे कि 2029 के बाद एक महाविनाश का दशक है। जब 2028 से 2032 का साल, इन चार सालों का हमें अंतराल दिख रहा है, जब बहुत सारे विनाशक युद्ध होंगे, तब अमेरिका डायरेक्ट कूदेगा किसी वॉर में।
अभी तक तो कंधा किसी और देश का होता है, निशाना कोई और देश होता है और गोली अमेरिका की होती है। लेकिन ये जो परिस्थितियां बदलेगी उसके बाद चीन के साथ उसका डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो जाए, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि जो कुछ भी अभी अभी हमने इस प्रिडिक्शन में कहा है उसमें से कितनी चीज़ें किस हद तक सही होने के लिए जा रही है। अब जान लेते हैं MKS, क्योंकि जब से ये प्रिडिक्शन करना हमने शुरू किया था और युग परिवर्तन की प्रिडिक्शन के साथ हमने एक सेगमेंट शुरू किया था मास्टर की एंड सुवर्ण अक्षर, आज हजारों की संख्या में दर्शक इस सेगमेंट के साथ जुड़े भी हैं। जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको इनके फ्रिट्स मिल भी रहे हैं। सिद्धांत प्राचीनतम ज्योतिष के ही है, इनोवेशन आपके इस एस्ट्रो दोष का है। प्रयोग अजीब से लग सकते हैं, टोटके जैसे लग सकते हैं, लेकिन इसे कसौटी पे लाके देखिए। तो 15 अप्रैल 2023 24 घंटों का एक प्रयोग, हर दोपहर को नए प्रयोग के साथ हम यहाँ पे उपस्थित होंगे। और क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्शन के साथ ये सारी चीज़ें दी जा रही है तो सारे स्पेशल तंत्र प्रयोग ही यहाँ पे दिए जा रहे हैं अभी के इस सेगमेंट में। शनिवार का दिन है, ये तंत्र भी मैं 2019 से शायद हर महीने एक बार रिपीट करता रहा हूँ। जो लोग भी कर रहे हैं और जिनको फ़ायदा मिला है, दिल खोल के बताइएगा कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है। तंत्र है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब जीवन में बहुत सारी विपत्ति इससे भरा हुआ काल हो तब तंत्र के प्रयोगों का उपयोग कर लेना चाहिए। तंत्र ज्योतिष का शुद्ध स्वरूप होता है, आपको खुद ही करना है, इसमें किसी को नुकसान पहुंचा के खुद का फायदा नहीं करना है। तंत्र के प्रयोग में दूसरी एक चीज होती है कि ये आपकी कसौटी लेता है, मतलब ये एक बार या एक से ज्यादा बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी, या तो आप भूल जाएंगे या परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपके लिए करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अगर वो परीक्षा आप पास कर लेते हैं तो फिर उन तंत्र के प्रयोगों का अच्छा प्रभाव बहुत तेजी से मिलने लगता है। शनिवार के दिन लहसुन की 2 कलियां लीजिए, उसके छिलके रेसे निकाल दीजिए और उसे अपने पर्स में रख दीजिए। पॉलीथीन में नहीं रखना है, वैसे सीधे रख दे तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर कोरे कागज़ में लपेट के रख सकते हैं। धन स्थान में भी रख सकते हैं, जहाँ पे आप पैसे रखते हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं। पूरा हफ्ता वहाँ पे रहने दीजिए, फिर अगले शनिवार को वो पुरानी कलियाँ ले जाकर किसी साफ सुथरी जगह पर पेड़ पौधों के नीचे रख दीजिए घर से बाहर, और नई 2 कलियाँ वहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। फिर से कह रहा हूँ, तंत्र है तो जब आप ये करते जाएंगे तो 3-4 शनिवार के बाद एक शनिवार ऐसा आएगा कि या तो आप भूल जाएंगे या फिर परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपके लिए वो करना बहुत ही ज़्यादा कठिन आपको महसूस होगा। अगर उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप एक उस प्रयोग के नए अच्छे प्रभाव के लेवल के ऊपर चले जाएंगे। जो लोग भी कर रहे हैं रेगुलरली, कृपया कमेंट्स में बताइएगा कि जो कुछ भी अभी हमने कहा उसमें से कितनी चीज़ें होती है और ऐसे सीधे साधे तंत्र प्रयोगों से आपको फ़ायदा कितना हुआ है। ये आपको करोड़पति बना देगा? बिल्कुल नहीं। आपकी धन की सारी समस्याएं खत्म कर देगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर पैसों की तंगी के कारण आपके जीवन की गाड़ी रुकी हुई है तो ये कहीं ना कहीं से पैसे मैनेज कर देंगे। कम से कम पैसों के कारण तो आपके जीवन की गाड़ी अटकेगी नहीं। आपके जन्मांक में जिस भी प्रकार की अवस्था है जिसके कारण आपके जीवन में गतिरोध आ रहा है तो उन पैसों के कारण आपके जीवन को किसी भी प्रकार की अड़चने नहीं आएगी। आपके लिए राहें ये प्रयोग आसान जरूर से कर देगा। ज्योतिषीय रूप से देखें तो शनि और राहु नाम के 2 ग्रहों को ये बैलेंस करता है। सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, कोई भी कर सकता है। शनि और राहु नाम के ये 2 जो ग्रह है उनको ये बैलेंस करने का काम करता है। तो जरूर से कीजिएगा, आपके जितने अपने हैं उन तक भी इसे पहुंचा दीजिएगा। अब सुवर्ण अक्षर, छोटा सा प्लेन पेपर लेना है स्क्वायर चौकोर, और उसके ऊपर जो अक्षर हम बताएंगे वो आपको हिंदी में लाल पेन से लिखना है। 24 घंटों के लिए उस पर्ची को अपने पास रखिए। दूसरे दिन जब नया सुवर्ण अक्षर आप लिखेंगे तो पुरानी वाली पर्ची को बीच में से 2 भाग में फाड़ दीजिए, घर के बाहर किसी भी पेड़ या पौधे के नीचे रख दीजिए। पेड़ पौधा नहीं है तो कहीं पे साइड पे रखिएगा, किसी का पैर वगैरह ना पड़े। कागज़ को डस्टबिन में मत डालिए और जलाइएगा मत। सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो लास्ट ऑप्शन में अपने उल्टे हाथ की हथेली के सेंटर में लिखिए। अक्षर भी एक विज्ञान होता है, मास्टर की और सुवर्ण अक्षर इकट्ठे ज्यादा प्रभावी होते हैं, दोनों को कीजिए। कल का सुवर्ण अक्षर जो आप लिखेंगे वो है गणेश जी वाला ग,
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। अब ब्लास्टिंग बर्थडे और एनिवर्सरी, किसी भी साल में अगर कल की तारीख आपका जन्मदिन है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, प्रयोग एक पॉजिटिविटी पूरे साल के लिए। बर्थडे है तो खुद करना है, मैरिज एनिवर्सरी है अर्निंग पर्सन डेफिनेटली करें। बर्थडे में अगर बच्चा है तो भी ये प्रयोग उसके खाने में रख दीजिए, स्टडी टेबल में रख दीजिए, क्योंकि ये शनि और राहु को बैलेंस करने के लिए एकदम सात्विक उपाय है। ठीक है, उसके हाथों से बदलवाइए, 8 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा इसे कर सकता है, करने योग्य प्रयोग है। 1 साल के लिए अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, अगली बर्थडे या एनिवर्सरी पे मिलेंगे कि इतना सीधा साधा प्रयोग आपके जीवन में कितनी सारी पॉजिटिविटी लेकर आया है। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110, 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।